दोस्तों खबर मुंबई से है। मानसून की बारिश में मुंबई की सड़कें लेवल अप भर गई है। माया नगरी में शनिवार को इतनी तेज बारिश हुई कि चांदीवली से लेकर मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव हो गया। सड़कों पर जल जमाव को देखकर चांदीवली इलाके के शिवसेना विधायक ऐसे भड़क उठे कि उन्होंने ऑन द स्पॉट ही कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार को सजा दे दी। नाले की उचित सफाई न होने का आरोप लगाकर शिवसेना विधायक दिलीप लांडे ने कॉन्ट्रैक्टर को जल जमाव वाले पानी के बीच बिठाकर उसे कचरे से नहला दिया और सबके सामने उसे जलील किया। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI ने इसका एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर को गंदे पानी में बिठाकर उसके ऊपर कचरा डाला जा रहा है। वहीं वीडियो के मुताबिक नाले की उचित सफाई नहीं होने की वजह से इलाके में जल जमाव हो गया था। इसके बाद शिवसेना विधायक दिलीप ने कॉन्ट्रैक्टर को 20 सड़क पर ही जलील कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर को पानी में पहले बैठने को मजबूर किया जाता है, फिर उसे धक्का देकर गंदे पानी में गिरा दिया जाता है और फिर उस पर कचरा डाला जाता है। विधायक के कहने पर उनके कार्यकर्ता को कॉन्ट्रैक्टर पर बारी बारी से कचरा डालते देखा जा सकता है। यह वाक्या जब हो रहा था तब कई लोग आसपास देखे भी जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बार बार गुहार लगाता दिख रहा है मगर विधायक उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। वहीं इस मामले पर विधायक दिलीप का कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ठेकेदार ने अपना काम ठीक से नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि मुंबई में बारिश की वजह से लोकल ट्रेन की सेवा कल बाधित रही क्योंकि पटरियों पर भी पानी भर गया था। आपका इस खबर पे क्या कहना है कमेंट जरूर करें।